चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सारे बच्चे आ जाओ बेटा, है ना, प्रीमेरिंग क्लास है ये, आ जाइए सारे बच्चे, पॉलिटी की क्लास है, ठीक है बेटा। जो बच्चे भी ऑफलाइन नहीं आ रहे हो वो बच्चे ऑनलाइन देखा करो बेटा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, और सारे बच्चे बच्चे वीडियोस को देखा करो। अब तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है। तो अभी जब तक आप लोग ऑफलाइन नहीं आ रहे हो तब तक तो ऑनलाइन देख सकते हो बच्चे, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, लोगों तक पहुँचा भी दिया करो, इतना आप कर दिया करो बच्चे, ठीक है। तो हम आप लोग बच्चे टॉपिक जो पढ़ रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट या बच्चे लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, सारे बच्चों को पता होगा कौन सी गवर्नमेंट बेटा पढ़ रहे थे, लोकल गवर्नमेंट पढ़ रहे थे। और आप लोग कहते हो बच्चे जिसे हम कौन सी सरकार कहते हैं, स्थानीय सरकार कहते हैं बच्चे, ठीक है। अब हमने कल बता दिया था बेटा कि स्थानीय जो सरकार होती है इस पर कंट्रोल किसका होता है, तो आप बोलोगे कंट्रोल सर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और लोकल गवर्नमेंट जो कार्य करती है बच्चे वो स्टेट लिस्ट के अनुसार कार्य करती है। किसके अनुसार बेटा, स्टेट लिस्ट के अनुसार कार्य करती है। और हमने आपको बता दिया था बच्चे हमारी लोकल गवर्नमेंट दो प्रकार की है, एक बच्चे अर्बन होता है, एक रूरल होता है। रूरल में भी मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, और फिर ब्लॉक पर ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति, या कहीं कहीं तालुका भी उसे कहते हैं, यह भी बता दिया था। और सबसे निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत। उधर मैंने शहर वाले में बताया था बेटा कि नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है, और बच्चे नगर पंचायत होता है। ये मैंने कल पॉइंट्स बता दिया था, सभी लोगों के प्रमुख को भी मैंने बता दिया था, ठीक है बेटा। और हमने बच्चे फॉर्मेशन भी बता दिया था, स्थानीय स्वशासन का पिता भी आपको मैंने बता दिया था। और बेटा जब लॉर्ड रिपन साहब ने पहली बार बेटा लोकल गवर्नमेंट के लिए कानून बनाया तो उसे हमने बच्चे लोकल सरकार का मैग्ना कार्टा भी कहा था। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। ये भी बताया था कि बच्चे जब भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ तो भाग चार में बेटा आपको पता है भाग चार है डीपीएसपी बेटा, क्या था डीपीएसपी, था डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य नीति निदेशक तत्व था। और इसी में बच्चे एक आर्टिकल था जिसे हम आर्टिकल 40 कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा 40, और इसी में था बच्चे ग्राम पंचायत का गठन, क्या था बेटा ग्राम पंचायत का गठन था आर्टिकल 40 में। लेकिन आपको पता है सर इसके अलावा लोकल लेवल पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, और 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इंप्लीमेंट हो गया, यानी कि हमारा संविधान क्या हो गया, लागू हो गया बेटा। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट तरीके से लागू हुआ तो आपको पता है ये आर्टिकल भी लागू हो गया बच्चे। हालांकि 26 नवंबर को जब 1949 को हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया था यानी अंगीकृत किया गया था तब बच्चे आर्टिकल 40 लागू नहीं हुआ था, बट जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया बेटा, तो हमारा एक आर्टिकल काम करने लगा जिसका नाम क्या था 40 था। इसी में कौन सी पंचायत के गठन का प्रावधान था, तो आप बोलोगे सर ग्राम पंचायत के गठन का यहां पर प्रावधान था। अब हम कौन से भाग में था, भाग चार में या पार्ट फोर में था बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, और फिर बच्चे 1951 में, और बेटा पांच वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, पांच वर्ष के लिए बेटा 1956 तक फर्स्ट फाइव ईयर प्लान चलाया गया, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान चलाया गया बच्चे, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, कौन थी पंचवर्षीय योजना बेटा, प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई 1951 से लेकर 1956 तक। और आपको पता है सर प्रत्येक पंचवर्षीय योजना कितने अप्रैल से शुरू होगी, यानी कि 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई बेटा, और 31 मार्च यानी 31 मार्च 1956 को इसका 5 साल कंप्लीट हो गया बेटा,
ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, जब ये कंप्लीट हुआ, क्लियर हो जाएगा, क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, तो जब पहली पंचवर्षीय योजना भारत सरकार ने चलाई तो आपको पता है उस समय बेटा 90% से ज्यादा पॉपुलेशन आपको पता है ना कौन से क्षेत्र में निवास कर रही थी, ग्रामीण क्षेत्र में। और यहां पर बच्चे शिक्षा यानी रोटी कपड़ा मकान की सबसे ज्यादा नीड थी बेटा, यानी बेसिक नेसेसिटी जो हमारे लाइफ की होती है, हमें बेसिक नेसेसिटी को बेटा पूरा करना था रूरल एरिया में बेटा, और आर्टिकल 40 ही था ग्राम पंचायत का। फिर क्या हुआ सर, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई 1 अप्रैल 1951 से 5 ईयर का, और आपको पता है इसमें बच्चे पंचवर्षीय योजनाओं में क्या निर्धारित किया जाता है, लक्ष्य बेटा, ठीक है, कि हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल तक बेटा हम इन क्षेत्रों में विकास करेंगे। और आपको पता है कि लक्ष्य में जो बच्चे उद्देश्य बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था बेटा, एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र को क्या देना, बढ़ावा देना बेटा। और एग्रीकल्चर आपको पता है सर जी कि कौन से क्षेत्र में होता है, तो आप क्या बोलोगे, ग्रामीण क्षेत्र में होता है सर, क्लियर है, इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आई। फर्स्ट 5 ईयर पर जितने भी 5 ईयर प्लान चलाए गए सारे था बच्चे 1 अप्रैल से, और इनका जो एंड हुआ है 31, क्योंकि 1 अप्रैल से ही बच्चे और 31 मार्च तक भारत देश में कौन सा ईयर मनाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर मनाया जाता है। तो पहला उद्देश्य जो था बेटा वो कृषि क्षेत्र का बढ़ावा देना, और सेकेंड पंचवर्षीय बच्चे योजना में औद्योगिक क्षेत्र को, इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब ग्रामीण क्षेत्र की बात की गई सर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1951-52 में पहले प्रधानमंत्री बने बेटा देश के हमारे, इन्होंने सर क्या किया, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया, और 1953 में बेटा राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम भी इन्होंने क्या किया बच्चे, लागू किया। नोट कर लो ये दोनों पॉइंट्स बेटा, ठीक है, इसे बच्चे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बेटा, ठीक है, और इसे नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कहते हैं बच्चे, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कहते हैं बेटा किसको, राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम को बच्चे, ठीक है। ठीक है, इन दोनों योजनाओं में जो लक्ष्य रखा गया था बेटा, ये लक्ष्य रखा गया था ग्रामीण क्षेत्र का क्या करना, ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट करना, यानी ग्रामीण क्षेत्र का क्या करना, विकास करना बेटा, ठीक है। यानी कि बच्चे इन दोनों योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमें बेटा एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना था और रूरल क्षेत्र को बढ़ावा देना था, यानी ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देना था, इसीलिए हमने बेटा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया बेटा, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत की, और लक्ष्य था बेटा कि जितना भी रूरल क्षेत्र है उसका क्या करना, डेवलपमेंट करना, यानी कि विकास करना। क्लियर हो जाएगा, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, जरा एक बार बताओ सारे लोग, पानी थोड़ा रसा रही थी, थोड़ा पानी दे देना, चल रहा है, ठीक है बच्चे। अब आपको अगर डन है सर तो ध्यान से सुनना बेटा,
ये जब दोनों योजनाएं असफल हो गईं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सर पर बड़ा बड़ा टेंशन आया कि यार ये दोनों योजनाएं क्या है, असफल हो गई हैं। अब पक्का है असफलता बच्चे तभी आदमी को बच्चे मिलती है जब उसके ले बच्चे उस क्षेत्र में जाने के लिए उसके पास बेटा संसाधन और मैनेजमेंट का अभाव होता है। तो यहाँ पर जब आप भी देखो तैयारी कर रहे हो, जब आपके चारों सेक्शन मजबूत होंगे तभी आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलेगी बेटा। और अगर किसी भी क्षेत्र में आप कमजोर हो तो याद रखना बच्चे कि आपको सफलता मिल सकती है, आपको सफलता नहीं मिलेगी और आपको स्ट्रगल करना ही करना पड़ेगा। स्ट्रगल तब नहीं किया जाता है बच्चे जब हमारे पास ऑप्शन बहुत हो, लेकिन हमारे पास तो लिमिटेड ऑप्शन है बेटा, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बच्चे, तो फिर हमें उसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा। अभी टीचर वालों को देख रहे हो सर, अभी गवर्नमेंट के जो हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं वो हाई कोर्ट में गए कहे, जो 31,000 का फाइनल हुआ है, 31,000 का जो फाइनल हुआ है वहां पर उन्होंने क्या कहा, कहा क्या हुआ, इन्वर्टर बोल गया आगे। तो बच्चे याद रखना कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है जब ये कमजोर होता है तो असफल होता है। अब टीचर वाला देख लो सर जी, 31,000 लोगों को उन्होंने बुलाकर बच्चे ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। अब हमें बच्चे, मुझे खुद जानकारी है, मेरे भी 2-3 चाहने वाले हैं बेटा, जानने वाले हैं, उन्होंने सर क्या किया, एक लड़का सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी करता था, एल्टीमेटर लैब टेक्नीशियन था, अब उसने सर क्या किया, रिजाइन दे दिया क्योंकि यहाँ BSC ऑफिस में फिर उसे अटेंडेंस लगानी थी। अब उसकी थोड़ी मेरिट लो है, अब बेटा अगर यहाँ पर निकाल दिया जाएगा तो LT से भी तो चला गया, अब उसके आगे आत्महत्या करने के लिए और कोई ऑप्शन तो नहीं बचा बेटा। या तो फिर आप ये करो सर, उसे LT की जॉब दिलाओ, लेकिन वो तो रिजाइन दे चुका बच्चे। अब अगर प्रोसीजर सिस्टम होंगे तो फिर वो अगर बेटा रिजाइन हो जाएगा तब तो चलो ठीक है यार। हमारे जानने वाले बेटा RO का एग्जाम दिए, वो भी बेटा है। तो ये जो चीजें आई बच्चे, ये क्या है, ये एक मैनेजमेंट का, गवर्नमेंट का अभाव तो है। अरे भाई नियुक्ति पत्र दे दिए हो, ले लोगे, बच्चे पर क्या बीतेगा। इससे बेटर है कि आप बच्चे फर्जीवाड़ा ही करते रहे, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि लो मेरिट वाले सिलेक्ट हैं और हाई मेरिट वाले सिलेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो आजकल का समय है, मैं देख रहा हूँ सर कि बस चीज़ों को फंसाते चलो। अभी हाई कोर्ट ने कहा भाई 17 नवंबर तक सुनवाई करेंगे, अब ये कोर्ट भी तो बेटा एकदम से लचर ही है, इसे बच्चे ना 2 दिन में फाइनल डिसीजन देना चाहिए। बच्चों के कैरियर की ही तो सवाल होते, लेकिन कुछ नहीं बेटा, हर क्षेत्र में लीपापत हो ही चल रहा है। इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि इतनी अच्छी स्टडी कर लो मेरे बच्चे लाल कि बेटा आपको कभी कोई दिक्कत ना हो, कभी मौका मिल जाए एक ही वैकेंसी में फुल एंड फाइनल कर लो, क्योंकि दोबारा मौका बहुत रेयर केस में लोगों को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग भी स्ट्रगल करो सर। तो यहाँ पर भी बच्चे, जब पंडित नेहरू ने देखा दोनों कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएँ क्या हैं, असफल हैं, तो फिर देखा कि हमारे पास ऐसे कोई तंत्र ही नहीं है, ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं है कि इन योजनाओं को बच्चे ग्रामीण क्षेत्र तक या ग्राम स्तर तक पहुंचाया जा सके। फिर जब बेटा ये पहली पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई 1956 में, तो 1957 में एक व्यक्ति को बुलाया गया जिसका नाम था बेटा वलवंत राय मेहता। वलवंत राय किसको बुलाया गया बेटा, मेहता को बुलाया गया, और ये एक समिति बनाई गई इनकी अध्यक्षता में 1957 में। इन्हें पंचायती राज का शिल्पीकार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पंचायती राज का इन्हें बेटा शिल्पीकार कहा जाता है। फिर इन्होंने रिकमेंडेशन किया बेटा, इन्होंने रिकमेंडेशन किया यानी कि सिफारिश किया, किसने बेटा, बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया बच्चे, सिफारिश किया और कहा इन्होंने कि बच्चे फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज्य, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज्य,
यानी कि बच्चे पंचायती राज का क्या किया जाए, गठन किया जाए बच्चे, ठीक है। और इन्होंने बेटा थ्री टायर व्यवस्था दिया, या थ्री टायर बच्चे व्यवस्था दिया, कितने टायर बेटा, थ्री टायर सिस्टम दिया इन्होंने बच्चे। यानी कि इन्होंने त्रिस्तरीय बच्चे व्यवस्था दिया, थ्री टायर व्यवस्था दिया बच्चे, सिस्टम दिया किसने, मिस्टर बलवंत राय मेहता ने दिया बच्चे, क्लियर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता ने। और इन्होंने बच्चे डेमोक्रेटिक, ठीक है बच्चे, डेमोक्रेटिक का नाम सुना होगा बच्चे। डेमोक्रेटिक जो होता है, एक सेंट्रलाइजेशन होता है और एक डिसेंट्रलाइज होता है बेटा, या डिसेंट्रलाइजेशन होता है बच्चे। तो यहां पर लिख देना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बेटा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मैं बताऊंगा डिसेंट्रलाइजेशन। आपको पता है डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। क्या करना बच्चे, विकेंद्रीकरण। अगर डी को हटा दो तो बी आ जाएगा, इसमें हो जाएगा केंद्रीयकरण बेटा, तो यहां पर बी केंद्रीयकरण है सर, ठीक है। तो इनका पहला पॉइंट याद रखना कि इन्होंने बच्चे पंचायती राज के गठन, पंचायती राज का गठन किया, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज किसने किया, बलवंत राय मेहता ने किया। इन्होंने थ्री टीयर दिया बच्चे, यही है बेटा, ठीक है, थ्री टायर सिस्टम दिया, त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किया, रिकमेंडेशन किया बेटा। और इन्होंने डेमोक्रेटिक विकेंद्रीकरण की नींव बच्चे कहा, किसके आधार पर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर बच्चे पंचायती राज का क्या करना चाहिए, गठन किया जाए। और याद रखना बच्चे, इन्हें फ्री किया जाए, स्वायत्तता दी जाए बच्चे, क्या दिया जाए, स्वायत्तता दिया जाए बच्चे, ठीक है, फ्री कर दिया जाए। नोट करो, मैं बताता हूं कि बच्चे विकेंद्रीकरण क्या होता है। ठीक है, चलो अब बेटा, जब इन्होंने पंचायती राज दे दिया तो इन्हीं को कहा जाता है बच्चे पंचायती राज का शिल्पीकार बेटा। क्या कहा जाता है, शिल्पीकार कहा जाता है, या बच्चे वास्तुकार कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कौन से राज का, तो आप बोलोगे पंचायती राज का बेटा। और इन्होंने कितनी टायर व्यवस्था दिया था, तो आप बोलोगे थ्री टायर व्यवस्था दिया था बच्चे, सिफारिश किया था, रिकमेंडेशन किया था बच्चे, ठीक है। अब इन्होंने बच्चे त्रिस्तरीय व्यवस्था दिया, और हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था को बेटा क्या कर दिया, लागू कर दिया बच्चे। और लागू किया किस प्रधानमंत्री ने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने लागू किया बेटा, क्योंकि यही उस समय भारत देश के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे बेटा। और सर्वप्रथम ये लागू हुआ राजस्थान, और राजस्थान का जिला बेटा नागौर, और ये डेट थी बच्चे 2 अक्टूबर 1959 को बेटा, 2 अक्टूबर 1959 को बेटा पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर दिया गया भारत देश के कौन से राज्य में, तो पंचायती राज व्यवस्था लागू होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो आप बोलोगे राजस्थान, जिला बेटा नागौर। इसके गांव का नाम मैं भूल गया हूँ, देख लेना, मिलेगा नहीं तो मैं नेक्स्ट टर्न पर लिखा दूंगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने अक्टूबर को बच्चे, 2 अक्टूबर, और आपको पता है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है बच्चे। हमने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र पर वर्क करना चाहते थे कौन बेटा, उनकी सारी नीतियां बेटा आपको पता है महात्मा गांधी की क्या थी, ग्रामीण क्षेत्र पर ही थी बेटा, वो राज्य को स्वतंत्र करना चाहते थे। इसीलिए सर इसी दिन इनका बच्चे क्या किया गया, शुरुआत किया गया, ठीक है, नोट कर लो।
और उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है बेटा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, चलो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है बेटा, ये तो सारे बच्चों को पता होगा। अब यहां पर लोकतांत्रिक की बात की गई है और विकेंद्रीकरण की बात की गई है बच्चे, कौन से करण की, विकेंद्रीकरण की बात की गई। ध्यान से सुनना, मैंने कल कहा था कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र पर प्रधानी होता है या बच्चे जो सरपंच होता है, क्या होता है, सरपंच होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए ना सर, ये आपको सबसे निचले स्तर पर मिलेगा। और ये कौन से पंचायत पर होता है, ग्राम पंचायत पर। आपको पता है सर, स्थानीय सरकार पर सारी पावर कौन से सरकार की होती है, राज्य सरकार ही बच्चे कानून बनाएगा, किसके लिए, स्थानीय सरकार के लिए, किसके लिए बेटा, स्थानीय सरकार के लिए। और कुछ मामले में राज्य सरकार के लिए कानून कौन बनाता है, संघ बनाता है, लेकिन संघ की सरकार और राज्य की सरकार दोनों सरकारें एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसीलिए तो भारत देश में संघात्मक सरकार है या संघात्मक व्यवस्था है बेटा, ये मैंने आपको बताया था। अब इसमें कहा गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में कि जो सबसे निचला स्तर होगा वो डिपेंड राज्य पर करेगा। कल मैंने सब लिखा दिया था कि बेटा राज्य सरकार चाहे तो चुनाव कैसे कराए, प्रत्यक्ष कराए या अप्रत्यक्ष कराए, यानी कि जो निचले स्तर की जनता है बच्चे, पावर इस जनता को दिया गया और हर ग्राम में, हर गांव में एक क्या बनाया गया, सरपंच। बेटा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और बेटा राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए या विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए आपको वहां का ही बच्चे निवासी अनिवार्य नहीं है, आप लीगल वोटर होने चाहिए, भारत देश के किसी भी राज्य का आपको लीगल वोटर होना चाहिए। अरे भाई, आप देखते हो बच्चे कि अभी मिस्टर राहुल गांधी बच्चे केरल के वायनाड से चुनाव लड़ गए, केरल के कहाँ, वायनाड से। स्मृति ईरानी कहाँ की रहने वाली हैं और आके अमेठी में चुनाव लड़ गया, तो क्या अमेठी में वोटर थी बच्चे, नहीं। लेकिन भारत देश में एक लीगल वोटर होना चाहिए, एक विधिक वोटर होना चाहिए किसी भी भारत देश के राज्य के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा, ठीक है। तो आपने देखा राहुल गांधी सर लड़ गए जाकर कहा, लेकिन ये लोग बच्चे वोट कहाँ करते हैं, तो दिल्ली में करते हैं, आपको पता ही होगा। बट चुनाव कहाँ से लड़ गए, केरल के वायनाड सीट से लड़ गए, ठीक है। अब लौटो फिर यहां पर, लेकिन जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है सर, तो जो सरपंच का चुनाव या प्रधान का चुनाव लड़ रहा होता है, उसे बच्चे रूल होता है उस गांव के वोटर लिस्ट में बेटा उसका नाम बेटा होना क्या है, जरूरी है। नाम होना क्या है, जरूरी है बेटा, आप उस गांव के लीगल वोटर होने चाहिए। यानी कि अभी मैं बताऊंगा, जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा, तो फिर आप किसका चुनाव लड़ सकते हो, प्रधानी का। और राज्य सरकार बेटा कुछ कानून बनाकर इन सरपंच और इन प्रधानों को बच्चे क्या करती है, फ्री करती है, और प्रधान को बनाने में लोगों का हाथ होता है। तो यही कहते हैं बेटा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी उस गांव के व्यक्ति को बच्चे जो सरपंच बना, प्रधान बना, जो वहां के लोगों ने चुना, हमने उस गांव के एक व्यक्ति को क्या दे दिया, पावर दे दिया बच्चे कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए हमने क्या दे दिया, पावर दे दिया बच्चे, ठीक है। यानी स्थानीय सरकार के लोगों को ही पावर दे देती है बच्चे, कौन सी सरकार, राज्य सरकार। स्थानीय लोगों को ही पावर दे देती है कौन, राज्य सरकार। ये वाला पॉइंट बताओ समझ में आ गया है, नहीं आया होगा तो कमेंट्स कर देना भाई। फिर से देखना,
प्रधानी लड़ने के लिए बच्चे आपको गांव का लीगल वोटर होना चाहिए, लोकसभा विधानसभा लड़ने के लिए भारत का लीगल वोटर होना चाहिए, क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे राज्य सरकार सारी लोकल पावर वहां के प्रतिनिधियों को दे देती है, इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए फिर, ठीक है। और बच्चे आप अशोक मेहता समिति में बता दे रहा हूं, है ना, और बच्चे सारी समितियां आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, सारी बुकों में दिया गया है, नहीं मिलेगा तो हम बच्चे पढ़ा देंगे, ठीक है। मिस्टर अशोक मेहता जो समिति आई थी बच्चे, इन्होंने द्विस्तरीय, बेटा कौन सी स्तरीय, द्विस्तरीय व्यवस्था का शुभारंभ किया था, तो मैं ये बच्चे आप पढ़ लीजिएगा, पी के थुंगन समिति बेटा, पी वी के राव समिति बेटा, ये समितियां आप खुद से पढ़ लीजिएगा, हमें इंपॉर्टेंट समिति यहां पर पढ़ा दे रहे बच्चे, हम सबसे इंपॉर्टेंट एक और समिति पढ़ लेंगे बेटा, एल एम सिंघवी समिति, ठीक है। पी के थुंगन को पढ़ लीजिएगा, पी वी के राव को पढ़ लीजिएगा, अशोक मेहता को पढ़ लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो लास्ट में बता देना, हम करा देंगे, ठीक है। हमें बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी समिति पढ़ लेनी है, एल एम सिंघवी समिति, इसका गठन हुआ बच्चे 1986, ठीक है। और आपको पता है उस समय भारत देश का प्रधानमंत्री थे, भारत देश के चॉकलेटी बॉय और कम उम्र के बच्चे थे, जिनका नाम था राजीव गांधी साहब, ठीक है। एचएल बच्चे जब सिंघवी समिति आई तो इन्होंने क्या किया, सिफारिश किया बच्चे, रिकमेंडेशन किया, इन्होंने सिफारिश किया कि सर ऐसा करते हैं कि जो स्थानीय सरकार है बेटा, राजीव गांधी सरकार से कहा गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं, इस स्थानीय सरकार को आप संवैधानिक दर्जा दीजिए। क्या दिया जाए बच्चे, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की बेटा एल एम सिंघवी समिति ने, ठीक है। फिर इन्होंने कहा सर कि बच्चे जो महिला हैं, जो वुमेन है, यानी जो महिलाएं हैं बेटा, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, यानी कि रिजर्वेशन दिया जाए बच्चे। और फिर इन्होंने कहा एससी एसटी को भी बच्चे जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर, किसके आधार पर, तो आप बोलोगे सर जी जनसंख्या के आधार पर, इनको भी क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए बेटा। और इनकी सिफारिश को हमारी सरकार ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया बच्चे, क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया बच्चे, ठीक है, नोट कर लो। यानी स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल एम सिंघवी समिति ने किया, और महिलाओं को आरक्षण की बात की, और एससी एसटी के आरक्षण की बात की बेटा इन्होंने। और एसटी एसटी का बच्चे आरक्षण जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर डिमांड की, सिफारिश की, रिकमेंडेशन किया बेटा, ठीक है। फिर बच्चे क्या था कि मिस्टर राजीव गांधी ने सर पहला प्रयास किया पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का, लेकिन लोकसभा में तो उनका बच्चे संशोधन पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में सरकार ना होने की वजह से ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर कोई विधेयक बेटा धन से संबंधित है तो वो सिर्फ लोकसभा में पास होना अनिवार्य होता है, अगर कोई बच्चे विधेयक संशोधन से या अन्य क्षेत्र से संबंधित है तो वहां पर पावर लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल हो जाती है। तो लोकसभा में तो राजीव गांधी की बहुमत थी बेटा, पास करा ले गए, बट राज्यसभा में बच्चे उनका बिल पास नहीं हो पाया, यानी राजीव गांधी पहले पर्सनालिटी बने, पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया, किस समिति की सिफारिश के बाद बच्चे, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति के बाद, इनका पूरा नाम लक्ष्मी मल्ल सिंघवी था बेटा, इस समिति के बाद। और इस समिति ने रिकमेंडेशन किया था स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, महिलाओं को बच्चे रिजर्वेशन दिया जाए, और एसटी एससी को पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है बेटा।
पहला प्रयास तो इन्होंने किया सर, आपको पता है, असफल हो गए। फिर राजीव गांधी की बच्चे लिट्टे ने यानी तमिलों ने बेटा, जो श्रीलंका के निवासी थे, उन्होंने हत्या कर दी। फिर हत्या के बाद कांग्रेस का बहुमत आया बेटा, और आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव भारत के क्या बने, प्रधानमंत्री बन गए बच्चे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। तो राजीव गांधी का जो अधूरा काम था कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया जाए, संविधान दर्जा दिया जाए, और आपको पता उस समय मनमोहन सिंह बेटा क्या बने, वित्त मंत्री बने, और इनकी सिफारिश सारे लोग लगे और राजीव गांधी के अधूरे काम को पूरा कर दिया गया। यानी कि बच्चे पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने स्थानीय सरकार को, लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बच्चे आपको पता है 73वां संविधान संशोधन, ये कहीं कहीं 92 भी लिखा मिला है बेटा, और ये आपको भी पता, और एक 74वां संविधान संशोधन। पारित किया, ठीक है बच्चे। जब 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ बेटा, तो आपको पता है यहां पर एक भाग आया, पार्ट आया बेटा 9, और ये आपको पता है शहर से संबंधित था, तो यहां पर पार्ट आया, भाग आया 9 का ए बच्चे, या 9 का का कह सकते हो, ठीक है। अब यहां पर जो सरकार थी बच्चे, आपको पता है रूरल लोकल गवर्नमेंट थी, और यहां पर बेटा क्या थी, अर्बन। क्या थी बच्चे, अर्बन गवर्नमेंट थी। कौन सा पार्ट आया, भाग 9 आया। भाग 9 में बच्चे ग्रामीण सरकार है, ठीक है। कौन सी है बच्चे, ग्रामीण है, और भाग 9 ए में क्या है, शहरी सरकार है, ठीक है। अब यहां पर देखो ग्रामीण में क्या था बच्चे, जिला पंचायत था, ब्लॉक पंचायत था, और ग्राम पंचायत था। यहां पर क्या था बच्चे, नगर निगम था, नगर पालिका था, नगर पंचायत था, ठीक है बच्चे। भाग 9 में था बच्चे। अब यहां पर याद रखना बच्चे, यहां पर जो अनुच्छेद था बेटा, वो 243 से लेकर बेटा 243 ओ तक बेटा जोड़ा गया। यानी कितने नए अनुच्छेद आ गए, 16 नए अनुच्छेद आ गए बेटा भाग 9 में। अब यहां पर देखो बच्चे, 243 हो गया, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू बेटा, ठीक है। तो यहां पर ओ तक है बेटा, इसके और इसके बीच में बेटा लगभग कितने आर्टिकल हैं बेटा, 16 अनुच्छेद जोड़े गए भाग 9 में बेटा। कितने 9 में, भाग 9 में। फिर बेटा इसमें बच्चे अनुसूची 11 जोड़ी गई, क्योंकि पावर देना था ना ग्रामीण क्षेत्र को, तो कौन सी अनुसूची आई, 11। और इसमें कितने सब्जेक्ट बनाए गए ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 29 सब्जेक्ट बनाए गए बेटा। कितने, 29 सब्जेक्ट बनाए गए, और पावर दिया गया बच्चे पंचायत को। पंचायत को क्या प्रदान किया गया, शक्ति प्रदान किया गया बच्चे शेड्यूल 11 के तहत। तो आपको भी पता है बच्चे कि जब यहां पर याद रखो सर, 243 से लेकर 243 ओ तक हो गया, तो ओ के बाद बच्चे एल एम एन ओ तक कंप्लीट है, ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा बच्चे। तो 243 पी से बेटा शुरू होगा क्या, आपका शहरी क्षेत्र होगा बेटा, और ये चला जाएगा बच्चे 243 जेड जी तक।
243 जेड जी तक। अब आप बोलोगे सर ये जेड जी क्या हो गया, तो मैं बताता हूँ बच्चे, यहाँ पर लगभग बेटा 18 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने अनुच्छेद बेटा, यहाँ पर लगभग 18 अनुच्छेद जोड़े गए। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया जेड जी, तो बेटा पी के बाद आपको पता 26 लेटर ही होता है, ठीक है बेटा, और आपको पता है सर 16 तो पहले निकल गया, तो बच कितने रहे 12, तो 12 तक ये चलेगा, फिर जेड आ जाएगा, जेड के बाद फिर ए बी सी डी ई एफ जी बेटा, ठीक है, तो टोटल 18 आर्टिकल है, तो ये जी तक चला जाएगा। इसी में जेड ए जेड के बाद जब समाप्त होगा ये सीरीज बेटा, तो जेड ए बी सी डी हो जाएगा। तो आपको पता है 243 पी से 243 जेड जी तक बच्चे शहरी शक्ति का प्रावधान है, और यहाँ पर जो बच्चे नई अनुसूची जोड़ी गई वो अनुसूची 12 थी। कौन सी अनुसूची बेटा, अनुसूची 12। अब यहाँ पर अनुसूची 11 में 29 विषय था बेटा, तो यहाँ पर अनुसूची 12 में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर शहर के लिए 18 विषय बनाए गए। कितने बच्चे, 18 विषय बनाए गए, नोट डाउन कर लो इसे। कितना मिनट हो गया रितेश, देखो ये 24 अप्रैल बेटा 1993 को लागू हुआ था, इसीलिए पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है कितने अप्रैल को, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर से देख लो बेटा, 73वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 11 आई, अनुसूची 11 बेटा ग्राम पंचायत से संबंधित है और रूरल बच्चे लोकल गवर्नमेंट का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक बेटा प्रावधान है, जिसमें 16 नए अनुच्छेद आ गए, और हमने दिन कहा था अगर इस तरीके से लिखा हो बेटा स्मॉल लेटर में, तो आप याद रखना संशोधन नहीं हुआ था। अगर कहीं पर बच्चे एबीसीडी लिखा मिल जाएगा, तो आप याद रखना संविधान में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। तो यहां सारा कैपिटल लेटर में हमने लिखा है। फिर बच्चे पंचायत को पावर अनुसूची 11 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक भाग 9 में है, और त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। 74वां संविधान संशोधन शहरी से संबंधित है, नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत 243 पी से 243 जेड जी तक है, 18 अनुच्छेद आए, लेकिन यहां विषय की संख्या 18 है अनुसूची 12 में, और यहां विषय की संख्या कितनी है बेटा 29 है, यानी ग्रामीण क्षेत्र का दायरा शहरी क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ा सा सब्जेक्ट में क्या है, बड़ा है बेटा, ठीक है। और यह जो लागू हुआ यह 24 अप्रैल को भारत में लागू हो गया, इसलिए 24 अप्रैल को बेटा पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चे, अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, और ये सारे अधिकार इनको बेटा राज्य सरकार देती है। कौन सी सरकार, राज्य सरकार देती है, पॉइंट्स याद रखिएगा बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा सर, 73वां संविधान संशोधन,
ठीक है बेटा, 243 ओ तक है बच्चे, ठीक है। अगर हम 243 की बात करें, तो ये पंचायत की परिभाषा होती है बेटा, जो था संविधान में, ठीक है बेटा। और 243 अगर ए की बात करें बच्चे, तो 243 ए जो होता है बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो सबसे निचला स्तर होता है ग्राम होता है, और ये क्या होता है, ग्राम सभा होता है। क्या होता है बेटा, ग्राम सभा। अब ग्राम सभा का मतलब समझ लो बच्चे, हमारे ग्राम सभा में जो बच्चे लीगल वोटर होते हैं, क्या होते हैं, लीगल वोटर होते हैं। आपको पता है ना सर, जिसको वोट देने का अधिकार मिलता है की उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई हो, ठीक है, तो वो आपको पता है उस गांव का क्या हो जाएगा, लीगल वोटर हो जाएगा। और वोटर का जो नाम दर्ज होगा बच्चे, वो निर्वाचक नामावली में दर्ज होगा बच्चे, जिसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट बेटा, निर्वाचक नामावली में दर्ज, निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों के व्यक्तियों के समूह को बच्चे, व्यक्तियों के समूह को याद रखिएगा, व्यक्तियों के समूह को ही बच्चे हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं बेटा, ठीक है। आप याद रखना बच्चे, निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों के व्यक्तियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा। और 243 ये में ग्राम सभा का प्रावधान है, और लीगल वोटर वही व्यक्ति बनेगा जिसकी उम्र कितने वर्ष होगी, 18 वर्ष से अधिक होगी बच्चे, उससे कम होंगे तो आपको वोट देने के अधिकार से वंचित रखा जाएगा बच्चे। तो ये ग्राम सभा हो गई, ठीक है। फिर देखा जाए बच्चे अगर यहां पर, तो अगला आर्टिकल देख लो सर, यहां पर 200 बच्चे बी देख लीजिएगा, अनुच्छेद 243 का बी पॉइंट देख लेंगे। अगर हम बी पॉइंट की बात करें बच्चे, तो ये कहता है बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गठन, ठीक है, यानी कि जो हमारा बच्चे पंचायत के गठन की बात किया गया है वो यहां पर है। और गठन में आपको पता है बड़े यानी जिले लेवल पर जिला पंचायत होगा, और ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक पंचायत होगा, और बच्चे ग्राम लेवल पर क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। सबसे निचला स्तर स्थानीय सरकार का ग्राम होगा, और सबसे ऊपरी स्तर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा बच्चे, जिला होगा। तो बच्चे पंचायत के गठन का प्रावधान 243 बी में दिया गया है, ठीक है, 243 बी में दिया गया है। फिर बच्चे 243 का सी बच्चे स्ट्रक्चर का प्रावधान करता है, ये संरचना है, और 243 का डी है बेटा, ये आरक्षण की बात करता है। आरक्षण में बेटा महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33%, और एससी एसटी की जो सीट होगी बच्चे, ये जनसंख्या पर। ठीक है, महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है बेटा, कितना परसेंट, 33%। लेकिन बच्चे इस आर्टिकल में राज्य को छूट दिया गया है, राज्य बच्चे राज्य प्रतिशत को, यानी महिलाओं का जो प्रतिशत है 33 बेटा, राज्य प्रतिशत को यानी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकता है बेटा, और बढ़ाकर 50% कर सकता है। बढ़ाकर कितना बेटा, 50, लेकिन अपने यूपी में तो 33% ही है बेटा महिलाओं का पंचायती राज में आरक्षण बेटा, तो कहां कहां 50% है जरा देख लो बच्चे, 50% कहां कहां है ये देख लो बेटा। जैसे एमपी में बेटा महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण है, महाराष्ट्र में बेटा महिलाओं को 50% है, केरल महिलाओं को 50% है, छत्तीसगढ़ महिलाओं को 50% देता है, बिहार बेटा महिलाओं को कितना परसेंट, 50% है, झारखंड बेटा कितना देता है महिलाओं को, 50% देता है बच्चे, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया,
ये राज्य भी बच्चे महिलाओं को कितना परसेंट दे रहे हैं, 50-50% बेटा दे रहे हैं। फिर केरल त्रिपुरा भी हो गया बच्चे, केरल त्रिपुरा भी बच्चे महिलाओं को आरक्षण कितने परसेंट का पंचायत में दे रहे हैं, 50-50% का दे रहे हैं बेटा, ठीक है। राजस्थान भी है, उड़ीसा भी है बेटा, ठीक है। राजस्थान भी यहां पर होगा और प्लस उड़ीसा भी होगा बेटा, ये भी महिलाओं को बच्चे पंचायती राज में कितने परसेंट छूट दे रखे, 50। बट अगर हम अपने यूपी की बात करें तो आपको पता है 33, नोट कर लो इतना, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है बच्चे। इसी में कुछ और आर्टिकल मैं लिखा दूंगा बच्चे, फिर उसके बाद हम बच्चे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बेटा, बाय, टेक केयर बच्चे, सारे बच्चों को शाम को बेटा लाइव क्लास में मिलते हैं, बाय बच्चे।